अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जब आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है जनाब नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट सरवा इस्लामी सेविंग अकाउंट से मुतालिक। ठीक है, बहुत अरसे से मुख्तलिफ टाइप्स की रूमर्स थी सरवा इस्लामी सेविंग अकाउंट के हवाले से, और कभी कुछ अपडेट आ रही, कभी कुछ अपडेट आ रही, यही वजह है कि हमने भी कुछ 10 दिन 15 दिन 20 दिन से आप लोगों को इस हवाले से कोई अपडेट नहीं किया। लेकिन अभी रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जो है एक जैसी न्यूज़ जो है वो 4-5 मुख्तलिफ जगहों से घूम के हमारे पास आई है, तो फिर ये ज़रूरी था कि आप लोग को अपडेट करें। ठीक है, सरवा इस्लामी सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट के हवाले से, बेसिकली डिपॉजिट के हवाले से छोटी सी आज हमारी ये वीडियो होगी, सिर्फ और सिर्फ सरवा इस्लामी के डिपॉजिट के हवाले से हम बात करेंगे और 1-2 और पॉइंट हमारा वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग सवाल ये कर रहे थे कि सरवा इस्लामी सेविंग अकाउंट का चूँकि प्रोडक्ट में डिपॉजिट बंद कर दिया उन्होंने और पता नहीं कब क्या लातात महदूद के लिए बंद है, कब ये इसमें डिपॉजिट खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो क्या इसका प्रॉफिट रेट भी कम होने वाला है? तो जनाब, सरवा इस्लामी सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट में कमी के हवाले से किसी टाइप की कोई न्यूज़ हमें नहीं मिली। ठीक है, तो मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरवा इस्लामी सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट कम नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं से कोई न्यूज़ आनी चाहिए, तो इसके प्रॉफिट कम होने के हवाले से कोई न्यूज़ नहीं है। अच्छा, दूसरा ये खबर थी या रूमर था, लेकिन बहरहाल आप ही लोग सवाल कर रहे थे इस हवाले से कि सरवा इस्लामी सेविंग में जो डिपॉजिट की लिमिट है वो तो अनलिमिटेड है, अगर किसी के पास 1 करोड़ हो या 100 करोड़ भी हो वो सरवा इस्लामी सेविंग अकाउंट में जमा करवा सकता है, क्योंकि लिमिट की कोई हद नहीं है उसमें। तो क्या इसकी कोई लिमिट होने वाली, मतलब कि आप इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है कि 75 लाख से ज़्यादा उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या सरवा इस्लामी सेविंग अकाउंट में भी कुछ ऐसा होने वाला है कि उसमें एक लिमिट लग जाएगी कि इससे ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते? तो इसकी भी अपडेट आ गई जनाब, अपडेट से मुराद है इसके बारे में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जब डिपॉजिट खुलेगा तो उस पर कोई लिमिट लग जाएगा, जैसे बहबूद में 75 लाख से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का भी ऐसे हो जाएगा 75 लाख या 70 लाख या 1 करोड़ के इससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है और ना ही इस पर कोई काम हो रहा है। अच्छा, अब दो चीज़ें, एक तो सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला कब खुलने वाला है, और दूसरा सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला क्यों ख़त्म हुआ। अच्छा, सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला इसलिए ख़त्म हुआ जनाब कि डिपॉजिट डेली बेसिस पे जो है पूरे पाकिस्तान में सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा था, लेकिन इस पर चूँकि ये इस्लामिक प्रोडक्ट है तो इन पैसों को कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होना था, मतलब कहीं लगना था इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रफा नेशनल ने जो टर्म एंड कंडीशन बताई थी तो उसके मुताबिक इसको किसी प्रोजेक्ट में लगना था, लेकिन आप ये देखें कि पिछली गवर्नमेंट किसकी थी, पिछली गवर्नमेंट थी केयर टेकर गवर्नमेंट, इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, मतलब 2-3 महीने 4 महीने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट नॉर्मली आती है जब से मैंने होश संभाला है, लेकिन ये तो साल 1.5 साल पता नहीं कितने अरसे तक, साल भर तक बैठी रही केयर टेकर गवर्नमेंट और इनको सैलरीज वगैरह सारी चीज़ें मिलती रही और काम इन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है उनका वैसे भी कोई काम नहीं होता, उनको कोई काम नहीं करना होता, 3-4 महीने के लिए आती है, इलेक्शन करवाती है, चले जाती है, लेकिन ये तो पूरा साल भर बैठी रही। ठीक है, और जब साल भर बैठी रही तो इनके पास कोई काम नहीं होता, मतलब इन्हें कोई काम करवाना नहीं होता, इनको क्या होता है जो सिलसिला चल रहा है उसको एज इट इज़ चलाना होता है। तो जनाब सरवा इस्लामी सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट का आता रहा उसमें, लेकिन इन्होंने कोई प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया, उसमें कहाँ इन्वेस्ट करना है उस पर कोई काम ही नहीं किया। तो सही मायने में सरवा इस्लामी सेविंग अकाउंट और सरवा इस्लामी टर्म अकाउंट जो भी नेशनल सेविंग की प्रोडक्ट थी उस पर कोई काम ही नहीं किया केयर टेकर गवर्नमेंट में, कि हमारा एक काम ही नहीं किया, हम इस पर कोई प्रोजेक्ट लगाएं या प्रोजेक्ट को देखें, हमारा काम है जो चीज़ जैसे चल रहा है उसको चलते दें, इलेक्शन करवाएं और टाइटा बाय बाय करें तो और चले जाएं। तो भाई वो गवर्नमेंट होती है जो 3-4 महीने के लिए आती है, आप तो साल भर के लिए बैठ के गए, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया चीज़ों को। बहरहाल जनाब, ये वो सिचुएशन थी जिसकी वजह से सरवा इस्लामी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला बंद हुआ, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट ने ना कोई प्रोजेक्ट लगा और जो प्रोजेक्ट चले थे उस पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ आवाम से डिपॉजिट लेती रही। अच्छा जनाब, ये आखिरी पॉइंट हमारा कि सरवा इस्लामी सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला कब शुरू होगा। ठीक है, मेन तो टॉपिक यही था, लेकिन हमें पहला पॉइंट इस पर डिस्कस करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा आखिरी पॉइंट हो गया। ठीक है, अच्छा जनाब, हुआ कुछ ऐसा जनाब कि जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ सरवा इस्लामी सेविंग अकाउंट के साथ हुआ क्या, कि जो भी पैसे इसमें डिपॉजिट हुआ है उनको कहीं इन्वेस्ट करना था, कहीं इन्वेस्टमेंट होना था, कहीं प्रोजेक्ट लगना था, केयर टेकर गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, उसके बाद नई गवर्नमेंट आ गई तो फिर सबसे पहले तो बहस होता रहा कि जनाब ये आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, इसहाक दार
साहब बनेंगे, या जो साबका चल रही थी केयर टेयर गवर्नमेंट में वही चलेंगी मोहतरमा, या फिर जनाब कोई नया आएगा। तो काफ़ी उसके बाद सब ने सोच दिया था कि भाई नून लीग का दौर है, नून लीग में तो जो है खाक कुछ भी हो, मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए, कुछ भी हो, इसहाक डार साहब नहीं आना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब साहब बहुत काबिल आदमी है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, सिटी बैंक का बहुत ही मंझा हुआ आदमी है औरंगजेब साहब जो, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो, वो फाइनेंस मिनिस्टर मुकर्रर हो गए, ठीक है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर मुकर्रर होते साथ उनके पास इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कि मकसद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। अभी भी देख ले IMF से जो डील का सिलसिला है, IMF की टर्म्स एंड कंडीशन और IMF को हैंडल करना, इस वर्स्ट सिचुएशन है पाकिस्तान की, इस वक्त इकनॉमी की वर्स्ट सिचुएशन है। मकसद कोई इकनॉमिक्स जो है वो अपने अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता क्या है। हर कंपनी डूबी चली जा रही है, मतलब कि जो कंपनी साल के 362 दिन 24 घंटे काम करती थी, मतलब रात की शिफ्ट भी चल रही है, दिन की शिफ्ट भी चल रही है, सुबह की एक दिन में 3 शिफ्टें चल रही हैं 8-8 घंटे की, वो अब हफ्ते में 3 दिन और 4 दिन खोल रही है, ठीक है। एम्प्लॉय को बाकी दिन की बैठ के सैलरी दे रही है और कोशिश कर रही है एम्प्लॉय कम से कम रह जाए, जो एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है जिसको निकालने से रख भी नहीं। तो ये आपकी इकनॉमी की सिचुएशन है, ठीक है। तो कहने का मकसद औरंगजेब साहब के साथ बड़े बड़े चैलेंजेस है, आपकी इकनॉमी बहुत ही वर्स्ट हुई है, ठीक है। IMF से इस सिचुएशन में इकनॉमी के डील करना या फिर उनको पेमेंट करना या फिर उनसे लोन लेना बहुत टफ सिचुएशन है। तो औरंगजेब साहब अभी कंटिन्यू फंसे हुए हैं IMF के उसमें IMF से डीलिंग में, ठीक है। अभी भी पता नहीं पाकिस्तान में है या अमेरिका में, जो इनकी मीटिंग थी IMF से और वर्ल्ड बैंक से एक साथ मीटिंग थी तो उसमें थे, और उसके बाद फिर उनकी IMF से मीटिंग थी। अभी पाकिस्तान वापस आए या नहीं है, अभी तक IMF से मीटिंग चल रही, इसका मुझे कंफर्म नहीं कि पाकिस्तान में ही हुआ। लेकिन इनके पास सबसे बड़ा जो चैलेंज है IMF है। दूसरा बड़ा मसला है कि जनाब के बजट का सिलसिला शुरू हो गया, प्री बजट शुरू हो चुका, मतलब बजट पे काम शुरू हो गया, ड्राफ्टिंग शुरू हो गई, प्री बजट जो है वो पे काम स्टार्ट हो चुका है। जून में जो है, मई और जून में जो है वो बजट एक्सपेक्टेड है। तो जनाब ये इस बड़े चैलेंज से निकलेंगे औरंगजेब साहब IMF वगैरह से, और फौरी तौर पे बजट पे काम शुरू है, मतलब काम शुरू हो चुका, बजट के चक्करों में लग जाएंगे। तो जनाब ये मतलब अप्रैल और मई, मतलब जब तक बजट नहीं आता तब तक हमारे जो न्यूज़ है वो ये कि जब बजट से पहले जो है वो सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि औरंगजेब साहब मतलब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ प्रोजेक्ट्स को लाना है या अप्रूव करना है, उन पर काम शुरू करवाना है। तो बजट से पहले तक गवर्नमेंट औरंगजेब साहब हो गई, गवर्नमेंट हो गई, तो IMF और बजट के सिलसिले में बिजी है, तो सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट पर कोई काम नहीं हो पाएगा। और ये जो सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला है वो जनाब जो स्टार्ट होगा वो बजट के बाद स्टार्ट होगा, मतलब जून के बाद की अपडेट हमारे पास। ये जो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि बजट का सिलसिला सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट का सिलसिला जून के बाद स्टार्ट होगा। जून से मुराद ये है कि बजट के बाद स्टार्ट होगा। बजट मई में आ जाए या जून में आ जाए, जब भी आ जाए उसके बाद जो है सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट पर काम शुरू होगा, मतलब ये कि उस पर जो भी प्रोजेक्ट लगना है जो भी होना वो शुरू होगा। पहले वो अनाउंस होगा कि ये प्रोजेक्ट हम लगाने वाले हैं, फिर उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला शुरू होगा। ये जो खबर है कि बजट के बाद सर्वे इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला शुरू होगा, ये एक जगह से नहीं, हमारे पास 5-6 मुख्तलिफ जगहों से हमारे पास आई है कि ये सिलसिला जो है डिपॉजिट का सिलसिला वो जून के बाद मतलब बजट के बाद स्टार्ट होगा। जनाब यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग के वीडियोस बना रहे हैं चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।